पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिसने इस देश को झकझोर के रखा है, स्पेशली जब हम अपनी बच्चियों के बलात्कार की बात करते हैं। 2007 में सरकार ने एक रिसर्च किया था जिसमें ये सामने आया था कि करीबन 53% बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ किसी न किसी प्रकार का यौन शोषण कभी ना कभी हुआ है, और उसमें लड़के और लड़कियां दोनों इस यौन शोषण के शिकार होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक कानून लाया गया सन 2012 में, जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और 2012 से आज हम 2019 में हैं, जिस बीच कई और हादसे हुए छोटे बच्चों के साथ भी और एडल्ट महिलाओं के साथ भी, जो सामने आए और कुछ बहुत ही घिनौने हादसे हमारे सामने आए, जिस पर जनता ने अपना आक्रोश जताया, मांग की कि फांसी दी जाए इस तरह की हरकत करने वालों को, और संसद में कानून में बदलाव लाया गया। क्या फांसी सच में इस तरह की घटनाओं को रोक पाई है? ये अपने आप में एक सवाल है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो यही है कि हम कानून तो बनाते हैं, पर क्या कानून पूरी तरह से लागू कर पाते हैं, नहीं कर पाते, या अगर हम नहीं लागू कर पाते तो किस तरह के उपाय खोजते हैं, जैसे फांसी की सज़ा। क्या वाकई फांसी की सज़ा एक उपाय है जिससे हम इस तरह की घिनौनी हिंसा को रोक सकते हैं, और यदि नहीं तो फिर क्या उपाय हो सकते हैं? हमारे साथ जो लोग आज हैं ये वो लोग हैं जिनके अपने कुछ ऐसे अपने घर में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं इनके बच्चों के साथ, और वो कुछ हमसे कहना चाहते हैं। तो शायद अगर हम उनकी बात सुने, बाकी तो सुनते ही हैं, जो जंतर मंतर पे या कनॉट प्लेस में या और कहीं आकर के जब लोग फांसी की मांग करते हैं तो वो तो हमारे सामने है ही, लेकिन जिन पर बीतती है उनसे भी अगर हम थोड़ा जान लें कि क्या रहा, कैसा रहा उनका सफ़र हादसा होने के बाद, क्या दिक्कतें उन्हें आई, और उन्हें क्या लगता है कि क्या फांसी ही एक जवाब है या नहीं। तो मैं हमारे बीच दो ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ऐसा माहौल इस देश में नहीं बना है जहाँ हम जो है लोगों को, स्पेशली जब इस तरह की घटनाएं उनके साथ होती हैं, तो उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करें और उनकी और उनकी बदनामी जो है किसी तरह से हम चाहेंगे कि आगे ना हो। तो आज हमारे बीच दो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, और हम चाहेंगे कि उनकी भी बात सुने कि उनकी क्या तकलीफ़ रही, क्या परेशानियां रही, क्या जूझना पड़ा उन्हें इस हादसे के बाद, चाहे फिर वो तंत्र के कारण हो या फिर समाज के कारण। मैं नाम नहीं लूँगी उनका क्योंकि आज भी एक सोशल एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है और किसी न किसी तरह का सोशल स्टिग्मा हम अटैच रहता है इस तरह के हादसों से, पर वो हुबहू आपके सामने हैं तो मेरे ख़्याल से नाम से कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगी, अगर आप बताना चाहें थोड़े छोटे छोटे में, कि क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ? अगर नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, पर कब की बात है ये? एक साल हो गया। एक साल पहले, पुरानी बात है। तो अभी ये मामला कोर्ट में है? कोर्ट में है। एफआईआर आपने खुद करवाया था? एफआईआर बच्ची के खोने की करवाई थी, जो खोई थी। बच्ची जब खोई थी तो एफआईआर आपने कराई थी। तो जब आप गई थाने में, वहाँ क्या हुआ? थाने में एफआईआर तो लिख ली थी उन्होंने, बच्चे के गुमशुदा होने की तलाश भी शुरू कर दी थी। और कितने दिन में फिर बच्ची मिली? अगले दिन ही मिल गई। उन्होंने फिर आगे क्या कुछ और बताया उन्होंने, या आपने खुद ही बच्ची से बात की तो पता चला? नहीं, बच्ची ने तो मुझे पहले ही बता रखा था, तो अच्छा। मैंने उस बारे में एफआईआर की नहीं थी,
सिर्फ बच्ची, मैंने कहा बच्ची मिल जाए उसके बाद FIR करेंगे। तो जब बच्ची मिली तो उसने खुद ही बयान दिया। कौन था जिसने ये किया बच्ची के साथ? उसके बच्चे का अपना फादर था। और ये बात आपको पहले पता थी? जी। क्या आसान था आपको, आपके लिए उसके फादर के खिलाफ FIR करना? कुछ कहना चाहेंगी कि घर में लोगों ने क्या क्या कहा, क्या तकलीफ, किस तकलीफ से आप गुजरी, कुछ बताना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में लोग समझ भी पाते हैं कि जिस पे बीतती है उसकी क्या तकलीफ। कोई नहीं समझ पाया अभी तक। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? अभी ही बोलते हैं कि झूठ है, बच्ची झूठ बोल रही है। घर के लोग या घर के लोग और जो आस पड़ोस में है? आस पड़ोस वाले भी, मतलब सभी आस पड़ोस वाले भी कहते हैं कि झूठ है। जी। तो आपने ये हिम्मत कहाँ से लेकर के आए आप? बाप ने बच्ची को बचाना था इसलिए हिम्मत तो जुटानी थी। कितने बच्चे हैं आपके? तीन। तीनों लड़कियां हैं या? एक लड़की है, दो लड़के हैं। तो बेटों ने क्या कहा? बेटे भी छोटे हैं। वो आपकी बेटी से छोटे हैं? एक बड़ा है, एक छोटा है। अच्छा। उनको क्या लगता है कि ऐसा है या उनको भी लगता है कि झूठ नहीं है? बच्चे तो सही हैं। तो जब आप पुलिस के पास गई, बच्ची मिल गई, तो उसके बाद जब इस हादसे की FIR अलग से हुई या? नहीं, अलग से नहीं हुई। उसी में उन्होंने जोड़ दिया इसको? नहीं, थाने में तो ये FIR में ये बात आई नहीं थी। जब बच्चे कोर्ट में पेश किया गया ना, वहाँ उनने बयान दिए थे कोर्ट में। अच्छा, बच्ची मिलने के बाद उसको कोर्ट लेकर? कोर्ट लेके गए थे। तो वहाँ बयान दिया बच्ची ने। फिर वहाँ जब बयान दिया उसके बाद थोड़ा बताएंगी क्या हुआ था? उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी हो गई थी। और मेडिकल के लिए लेकर गए थे, जांच के लिए? पहले लेके गए थे कोर्ट में जाने से पहले? हाँ, लेकर गए थे। उन्होंने आपको बताया था कि मेडिकल में क्या निकल कर आया है? नहीं, मेडिकल करवाया ही नहीं था। फिर वहाँ तक जाके वापसी आ गया तो मना कर दिया था। आपने मना किया था? तो किस वजह से मना किया? तो पुलिस वालों ने बोला था कि मेडिकल नहीं करवाना है, टाइम वेस्ट होगा। और आपको लगा कि टाइम वेस्ट होगा तो हम नहीं करवाएं? हाँ, तो बच्ची भी, या और भी कोई वजह थी? नहीं, और भी कोई वजह नहीं थी। बच्ची ने भी बोला कि मैं ठीक हूँ, इस वजह से कराया ही नहीं था। तो मतलब डॉक्टर के सामने गए ही नहीं? नहीं, डॉक्टर के सामने जाने से पहले ही पुलिस नहीं, वालों ने? डॉक्टर के पास गए थे तो वहीं मना किया था कि नहीं कराना है। और डॉक्टर ने कोई बातचीत नहीं की आपसे? नहीं, उन्होंने सिर्फ पर्चे पे लिखवा लिया कि आपको मेडिकल नहीं कराना है तो ठीक है। कुछ भी बातचीत नहीं हुई डॉक्टर और आपकी? नहीं, इंटरनल के लिए डिनाई है। हाँ, लेकिन अगर आपने मना किया मेडिकल कराने के लिए, तो पहले किसी ने आपको समझाया कि मेडिकल ज़रूरी है या नहीं है, या ऐसे ही? नहीं, पता ही नहीं था कुछ। कुछ कोई बताने वाला उस समय नहीं था? नहीं था, सिर्फ पुलिस ही थी जो आपको कह रही थी, और आप जो वो कह रही थी उस हिसाब से जी चल रही थी। जबकि कानून बहुत स्पष्ट है इस बारे में, और कानून ये कहता है कि मेडिकल जांच से पहले डॉक्टर्स काउंसलिंग करेंगे बच्ची की भी और परिवार जनों की भी, और उस काउंसलिंग में समझाया जाएगा कि मेडिकल क्यों किया जाता है, और इस तरह की काउंसलिंग होती नहीं है। बल्कि जैसा आप सुन रहे हैं, अक्सर यही होता है कि पुलिस वाले ही कह देते हैं कि इस लफड़े में, इस पचड़े में आप मत पड़िए पड़िए, और किसी न किसी तरह से कन्विंस करते हैं पेरेंट्स को मेडिकल नहीं कराने के लिए। तो सबसे पहला लैप्स यहाँ पर आ जाता है कि जहाँ मेडिकल एविडेंस हो सकता है वहाँ वो एविडेंस भी हमें नहीं मिल पाता, और फिर केस में क्या नतीजा होता है वो आप और हम सब समझ सकते हैं। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, अगर आप कुछ बताना चाहें हादसे के बारे में थोड़ा सा। हादसा क्या, मैं कंपनी में जो काम करते थे और करते हैं अभी भी जो है कर रहे हैं,
जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन मैं कंपनी में काम कर रहा था, तो घर पर जो बच्चे रहते हैं और भी लोग रहते हैं कई सालों से जो है रह रहे थे एक घर की तरीके से, मगर वहाँ एक लड़का जो रह रहा था ना वो एक बार और भी हरकत कर चुका था। मैंने उसको समझाया था नहीं दोबारा ऐसी हरकत मत करना नहीं वरना जो है तो मैं महंगा पड़ जाए फिर। उसके पेरेंट्स को भी मैंने जो है बोला, मगर वो 2-4-6 महीने के बाद में जो है नहीं माना। मैं कंपनी में काम कर रहा था, ऐसा हादसा हुआ, फोन गया हमारे कमर रूम से, मैं कंपनी में देखा, पहले तो हमको जो है हादसे के बारे में नहीं बताया, कुछ घुमा फिरा के बताया, तो फिर मैं रुक गया, हमने कहा ठीक है मैं शाम को आता हूँ। दोबारा फिर फ़ोन किया, तब हमको ये बात बताया पड़ोसी ने जिसने मतलब हेल्प की बचाया, तो उससे फ़ोन पे बात हुई तो उसने हमको जो है बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई आ जाओ। बस मैं तुरंत ही जो है वहाँ से कंपनी से निकल के घर पर पहुँचा, मैंने सारी जानकारी जो हासिल की लोगों से कि हाँ ये बात सही है या गलत है, तो मैंने जो है देखा, फिर मैंने 100 नंबर पर कॉल कर दिया। बस 5-10 मिनट के बाद जो पुलिस जो है वहाँ आ गई थी। तो आपके केस में भी मेडिकल जांच के लिए लेकर गए होंगे, तो जांच करवाई थी या मेडिकल जो है गए थे, जो मतलब जो है ऑफिसर आयु थे ना वो खुद उनके साथ में गए थे, मगर हम डॉक्टर के सामने नहीं गए, सिर्फ जो है वो आयु और बच्ची। किसी फॉर्म पर आपने दस्तखत नहीं किया मेडिकल के फॉर्म पर? वो मेडिकल के फॉर्म पर जो है दस्तखत किए तो जो हॉस्पिटल में जो घुस अंदर होता है ना ऑफिस होता है ना जहाँ से कागज बनते हैं उस पर जो साइन किए थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई डॉक्टर से कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये तो एक ही जैसा एक्सपीरियंस एक तरह से रहा है मिला था कि डॉक्टर्स काउंसलिंग नहीं कर रहे, क्या लिखा था ये नहीं पता। जी जी, तो मेडिकल के बाद कोर्ट लेकर गए बयान के लिए, तब आप साथ में थे या नहीं थे? नहीं, बच्ची मतलब जो दूसरे रूम में थी और जो बयान ले रहे थे वो थे, हम लोग जो पास में थे। उस वक्त सबसे ज्यादा आपकी मदद किसने की? सबसे ज्यादा मदद जो है जब तक जो है बयान वगैरह जो कोर्ट में हुए तो जब तक तो जो है पुलिस में आई हुए है ना जो उन्होंने ये सोल्व किया वो थे, उसके बाद जो है हमारा जो ऑफिस इन लोगों सबको जो है पता चला तो इन लोगों ने हमारी जो हेल्प की। पर इनको तो कई दिनों के बाद पता चला होगा। नहीं, जैसे ये आज जो है ये हुआ इसके 2 दिन दूसरे दिन जो है हमें खबर मिल चुकी थी। अच्छी कोई आया है घर पे? आपको कहाँ से खबर मिली थी? मतलब जब मैं थाने से जो है लड़की को लेके बुलाया था ना तो घर पे आए थे तो ऑफिस वाले में आए थे, फ़ोन नंबर दे गए सब कुछ दिया, मैंने बात की उनसे और उनसे जाके मिले हम, तो उन्होंने ये सारा केस का जो है बताया मैं। तो ये पहले मेडिकल जांच हुआ, फिर कोर्ट में जो बयान होता है 164 का वो कोर्ट में बयान हुआ, उसके 2 दिन के बाद इनको पता चला कि इन्हें CWC ने कोई सपोर्ट पर्सन दिया है, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है कि बच्चे को अगर CWC के सामने पेश किया जा रहा है, CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एक सपोर्ट पर्सन बच्चे को देना है, और वो सपोर्ट पर्सन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जिससे बच्चा खुलकर बात कर सके और बच्चे को कोई आपत्ति ना हो उससे बात करने में। तो इनके दोनों के केस में उस तरह से सपोर्ट पर्सन मिला है। आप बता पाएंगे कि सपोर्ट पर्सन होने के नाते जो है आप क्या करते हैं इस तरह के केस में, कहाँ दिक्कत आती है? बेसिकली जब हमें केस असाइन होता है एंड देन सपोर्ट पर्सन का रोल मिलता है तो फर्स्टली हम होता है कि फैमिली को कॉल करके हम बात करते हैं कि क्या है, अभी अर्जेंट कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है उनको, कुछ अर्जेंट सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं से कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से वो घर में नहीं रह पा रहे, या हो सकता है कि उस थ्रेट की वजह से वो केस वापस करने के बारे में सोचे। तो फर्स्ट ये हम कॉल करके बात करते हैं, देन उसके बाद एक वीक के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि फैमिली से मिल लें, एंड देन मिलने के बाद हमारा होता है कि
हम बच्चे से बात करते हैं और फैमिली से बात करते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको, फिर वो उस टाइम पे होता है कि पुलिस की तरफ से क्या था और बच्चे को क्या कितना सफ़र किया है, उसको काउंसलिंग की नीड तो नहीं है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कई बार होता है कि बच्चा तो नॉर्मल होता है लेकिन फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में आ जाती है, तो हम लोग फैमिली को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और इन केसेस में मोस्टली केसेस जितने में मैं काम कर रही हूँ तो ज़्यादातर है कि बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट के चक्कर में स्कूल में पता चल जाता है। और स्कूल में भी होता है कि वैसे तो है कि कानून में कि हमें बताना नहीं होता, लेकिन टीचर्स में आपस में एक गप्पे चलते हैं कि इस बच्चे के साथ हुआ, कई बार स्पेशल फोकस कर देते हैं उस बच्चे के ऊपर कि ये बच्चा है जो विक्टिम है, तो उसकी वजह से भी बच्चा कई बार इन सब चीज़ों में आ जाता है। और कई बार हादसे के बाद वो पढ़ाई में दिल नहीं लग पाता, मन नहीं लग पा रहा, जिसकी वजह से वो स्कूल में कवर नहीं कर पाता तो वो स्कूल छोड़ देता है। तो बेसिकली मेन हमारा काम यही होता है कि हम कैसे जो बच्चे के साथ वो हादसा हुआ है उस हादसे को वापस छोड़ के वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ सके, नॉर्मल लाइफ अपनी जी सके, तो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। स्कूल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर्स से बात करते हैं, एडमिशन्स वगैरह में करवाते हैं। फिर है कि हमारा है कि हम कुछ केसेस में लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उन केसेस में फैमिली से बात करके हम उनसे सहमति लेके हम उसमें लीगल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सो जो बहुत मुश्किल वाली बात जो मैंने 2-2.5 साल से मैं काम कर रही हूँ तो मैं सफ़र कर रही हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोर्ट से होता है कि कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बच्चे को कुछ इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ और दिक्कत है, कई बार परिवार को घर बदलना पड़ रहा है, नौकरी छूट जाती है फादर्स की या मदर की, तो उसमें है कि कंपनसेशन मिलेगा अलाउ हो गया, अब उसके चक्कर में है कि डॉक्यूमेंट आधार कार्ड इज़ वेरी मतलब कंपलसरी है। फैमिली मोस्ट केसेस यही हैं कि जो फैमिली कहीं अदर स्टेट से आए होते हैं उनके पास कोई कागज़ नहीं है, लेबर क्लास लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कहाँ से डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो ये सब चीज़ों प्रोसेस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिक्कत होती है उन्हें। दिल्ली में करीब 1500 से 2000 के बीच के केस होते हैं हर साल, क्या सब में सपोर्ट पर्सन दिया जाता है? नहीं। कितना परसेंटेज रहता होगा, हंड्रेड में से आई थिंक 30 या 40% वालों को ही मिलता होगा, बाकियों में बाकियों नहीं को मिलता नहीं है। और ये तो राजधानी है जी, बिल्कुल, जहाँ पर पॉक्सो के कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, चर्चाएं हुई हैं, और शायद दिल्ली वो पहली ऐसी स्टेट है जहाँ पर कोर्टों में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन कॉम्प्लेक्स बने हैं। वो इसलिए बने कि जो पीड़ित है और जो आरोपी है उनका आमना सामना ना हो, और क्योंकि बच्चे जो है जब उनका बयान होते हैं कोर्टों में तो घबरा जाते हैं आरोपियों को देखकर, तो इस तरह की, लेकिन जो प्रणाली है वो पूरे देश में आज भी नहीं है। तो आपके बच्चे के बयान हो गए हैं, क्या बयान आसानी से दे पाई थी बच्ची या नहीं? परेशानी तो हुई थी थोड़ी, इसको समझाया, बहुत डर रही थी जाते हुए, पर बच्चा कोई सवाल नहीं पूछता आपसे कि मेरी क्या गलती है? करती है वो, बहुत मतलब परेशान है इस बात से, वो अपने आप को भी तकलीफ देती है। क्या करती है? कभी हाथ जला लेती है, कभी कुछ करती है, कभी अपने बाल नोचने लगती है। फिर आप क्या उस समय करती हैं? फिर उसको प्यार से समझाते हैं कि बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो कहती मेरी वजह से भाई भी परेशान हो रहे हैं दोनों। भाई किस तरह से, उनको काम में दिक्कत हो रही है? भाई में दिक्कत हो रही है, काम में भी दिक्कत हो रही है, उसको देख देख कर परेशान होते हैं। आप कैसे संभालती हैं, आपके साथ कौन है जो आपका आपको सहारा दे रहे हैं? थोड़ा सहारा बस मैं कैसे मिलता है, हमारे मायके में हैं जिन लोगों को आप पर यकीन है और आपके साथ खड़े हैं, पर हर बार तो आप उनके पास नहीं जाती होंगी, बहुत सी बातें अब भी नहीं बताती, नहीं बता पाते क्योंकि वहाँ भी परेशानी होती है बहुत। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस तकलीफ का कोई भी शायद आपकी तकलीफ को समझ नहीं सकता, हम लोग या ये भी अगर
कुछ भी थोड़ी बहुत मदद कर भी देती हैं तो वो मदद भी एक ऊपरी तौर पर हो सकती है, पर जो असल तकलीफ है वो हम नहीं समझ सकते, वो आप ही पर गुजर रही है। एक तरफ आपकी तकलीफ है, दूसरी तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि वो कुछ कानून में ऐसा करे जिससे राहत मिल सके, जिससे इस तरह के हाथ से रुक सके। क्या आपको लगता है कि फांसी पे चढ़ाने से आपकी तकलीफ कम हो सकती है? नहीं कम होगी, और बढ़ जाएगी। वो कैसे? वैसे लोग बाग फिर बात करेंगे, अभी तो कहते हैं झूठा केस की है, फिर कहेंगे कि अपने बाप की अपने शोहर की जिम्मेदार ये दोनों माँ बेटियाँ ही हैं मारने में, इन्होंने फांसी दिलवाई है। तो और लोग जो ससुराल वाले हैं वो और परेशान करेंगे, और तरीके से परेशान करेंगे। लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद आपको लगता नहीं है आपके शोहर को फांसी होनी चाहिए? नहीं, फांसी तो कोई उपाय नहीं है ना इसका। अगर वो एक बार में समझ जाते हैं, सजा खा करके पूरी वापस आते हैं, वो सुधर के आते हैं तो ठीक है, और फिर दोबारा ऐसी गलती करते हैं तो फिर सोचा जा सकता है इस बारे में। अगर एक मौका तो मिलना चाहिए इंसान को। तो आप दोनों बातें अभी कह रही हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आपको आपके अंदर भी काफ़ी एक हलचल है इस वक्त, आप नहीं यकीन रखती फांसी देने में, और शायद एक मौका मिलना चाहिए आपको लगता है, पर आप साथ साथ ये भी कह रही हैं कि अगर दूसरा मौका में भी वो नहीं सुधरे तो तब शायद फांसी का सोच सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि एक मौका दिया या दो मौके दिए या तीन मौके दिए, फिर भी अगर कोई नहीं सुधर रहा है तो आपको क्या लगता है कि असल परेशानी क्या है, असल वजह क्या है, कैसे इस चीज़ को हम रोक पाएंगे? मान लीजिए दूसरी बार या तीसरी बार मौका देने के बाद फांसी चढ़ा दिया किसी को, वो फांसी चढ़ाने के बावजूद क्या आपको लगता है इस तरह के हाथ से रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। और ऐसा क्यों लगता है कि नहीं रुकेंगे? क्योंकि पहले भी फांसी खून के ऊपर मिलती थी, खून होना तो बंद हुए नहीं है, वो भी अभी आज तक हो रहे हैं, तो ये चीज कैसे रुक जाएगी? ये तो घर के अंदर होती है, चार दीवारी के अंदर होती है। और कई बार जो करने वाला है वो जान पहचान के ही होते हैं, अपने सगे होते हैं, सगे होते हैं, या आपके केस में शायद पड़ोसी थे। सामने ही रहते थे। जो चार पांच साल से जो रह रहे थे, घर की तरीके से उठना बैठना था, बच्चे जो जाते थे आते थे, तो जान पहचान के ही ज्यादातर लोग होते हैं इस तरह के हादसों में। और तब जब आपके जान पहचान के, ऐसे में क्या आसान होता है ये कहना, या एकदम से क्या फिर भी गुस्से में निकलता है कि इसको लटका दिया जाए, फांसी चढ़ा दिया जाए, या इतना आसान नहीं होता है? फांसी लटकाने से कोई वो तो नहीं है, मगर उसको सजा दोगे, मतलब जो आगे जो दूसरा कोई जो है इस घिनौनी हरकत को करे तो एक बार सोचे कि हाँ कि ये मैं हमारे सामने वाले को जो है ये सज़ा मिली है तो कल को हमसे हमको जो इससे ज़्यादा सज़ा मिल सकती है, अंदर जो है ना करें। अब छोड़ दिया जाएगा तो और कोई भी जो है दूसरे की हिम्मत जो है और बुलंद हो जाएगी कि जब उसको कुछ नहीं हुआ तो हम करेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब छूटना नहीं चाहिए, सज़ा उसको होनी चाहिए, लेकिन फांसी तक जाने से कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा आपको लगता है? पर जैसा इन्होंने कहा कि सज़ा काट के बाहर आए फिर कुछ ऐसा किया, क्या तब भी फांसी नहीं होनी चाहिए? आदमी सज़ा तो काटता है, मगर अगर घर का बंदा जो है अगर कुछ ऐसे जो गुनाह कर रहा है तो उसको भी जो देखना चाहिए कि अगर इसको फांसी हो जाएगी तो आगे हमारा जो है भविष्य क्या होगा या बच्चों का जो क्या होगा। मैं समझी नहीं, मतलब जैसे घर में जैसे इनके शौहर ने जो किया जी ना, तो अगर वो ही एक आगे जो सुधर जाते हैं, सहारा बन जाते हैं, तो बच्चे भी जो है तो समझेंगे, ये भी समझेंगे, घर को भी जो है एक सहारा मिलेगा। अब जो वही ख़त्म हो जाएगा तो ये कब तक जो करेंगे, या बच्चे जो कब तक करेंगे?
चलिए, इनका तो मामला ऐसा था जहाँ इनके शौहर ने किया था, लेकिन जैसे आपके बच्चे के केस में शौहर नहीं था, पड़ोसी था, तो वहाँ भी आपको यही लगता है कि सुधार कब की कोशिश करनी चाहिए? सुधार क्या सुधार, मैं तो मैंने उससे जब यही कहा कि इसको कुछ कम से कम सज़ा तो मिले, कम से कम इसको एहसास हो इस बात का कि हमने ये किया है, या इसके घर वाले फील करें कि हमने अपने बच्चे को जो है क्या किया, समझाया नहीं समझाया, तो उसको सज़ा मिलना चाहिए तो ना। उसके घर वालों का क्या रवैया रहा? घर वाले का रवैया, घर वाले तो जो है ड्यूटी चले जाते हैं, घर पे जो है वो वही रहता है, और समझाया भी मगर उसके समझ में नहीं आ रहा, तो वो ये सोच रहा था कि ये तो जो है बच्चे जो है अकेले रहते हैं, फादर जो है ड्यूटी चले जाते हैं। तो नहीं, जब जब उस लड़के के घर वालों को पता चला उसने क्या हरकत की है, तो क्या उन्होंने उसे डांटा समझाया, या उनका रवैया ये था कि कोई बात नहीं लड़के तो करते ही हैं? जो है डांटा था, उसको छिपा भी दिया था कि अच्छा। पता न चले कि यहाँ की जो यहाँ है या नहीं है, मगर हमने जब जो है बताने 100 नंबर पर फ़ोन किया पुलिस को, तो पुलिस जो है अपने आप जो है पकड़ के जो है ले के आई, उसका भी जो है मेडिकल हुआ सब कुछ। डांटा लेकिन छुपाया भी, वो नहीं चाहते थे कि वो कानून की पकड़ में आए। एक चीज़ मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ, वो ये कि खुशनूर ने बताया कि कई बार स्कूल के एडमिशन में तकलीफ़ होती है, या डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, अगर कॉम्पेंसेशन मिलना भी होता है तो भी नहीं मिल पाता क्योंकि आधार कार्ड नहीं है, या तो इस तरह की क्या परेशानियाँ आप लोगों को झेलनी पड़ी हैं? परेशानी ये होती है ना कि जैसे बच्चे का जो है बैंक खाता, आजकल स्कूलों में जो बैंक खाता मांगते हैं, कहीं जो कोई वो होता है ना तो वो आधार कार्ड है या उसके कोई आरडी जो हो, मगर उसके कोई आरडी तो है नहीं, तो उसमें जो दिक्कत होती है कि बैंक में जाते हैं, वो कहते हैं ये आरडी लाओ, वो आरडी लाओ, आरडी लाए कहाँ से, वो कहते हैं कि जाओ स्कूल से जो लिखवा के लाओ, आरडी बन जाएगी। अब स्कूल में जाते हैं, वो कहते हैं कि जो है यहाँ से जो नहीं लिखा जाए लिख के दे सकते हैं। स्कूल जाती है बच्ची आपकी? एक जिस बच्ची के साथ हादसा हुआ वो स्कूल जाती है? वो नहीं जा रही। वो नहीं जा रही, उसने छोड़ दिया स्कूल, क्यों छोड़ा? अब ये तो हम नहीं कह सकते, बराबर हमारी जो है मतलब कोशिश हमारी यही रही हमेशा कि हमारे बच्चे जो स्कूल जाएं पढ़ें, अब वो नहीं जो। तो ये हादसे के बाद स्कूल छोड़ा या उससे पहले ही छोड़ा? अभी जो है 1 साल हो गया छोड़े हुए। और इस हादसे को कितना टाइम हो गया? ये हो गया 2 जून 2016 को हुआ था, करीबन 3 साल, 3-4 साल, 2.5 साल हो गए। 3 साल और 1 साल पहले उसने स्कूल छोड़ा? नहीं, उस अभी छोड़ा है। अभी छोड़ा है, उसके हादसे के बाद भी जो स्कूल जो है भेजते रहे, जाती रही। तो कोई तकलीफ स्कूल में कभी उसने बताई? स्कूल में कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर कभी कभी जो ऐसा है ना कि वो जो बंदे के जो जिसने जो है ये हरकत की है, हो सकता है बाई चांस कभी जो है वहाँ घूम रहा हो स्कूल के गेट पे, देखा हो तो हमको बताया, तो हमने उससे बोला हमने कि अगर अगर दोबारा कोई ऐसी बात करे या आए तो तुम हमें बताना, फिर हम उसके आगे और कार्रवाई करेंगे। आपने ये बात किसी को बताई थी कि लड़का स्कूल के आसपास दिखाई दिया? या बस हम वापस ही में जो फ़ोन करते हैं। अच्छा, पर ये किसी के साथ भी हो सकता है? और ये वो होता है कि जैसे लड़के को या किसी ने जो है उसको किया तो उसकी जमानत बहुत जल्दी हो जाती है, कम से कम उसको कुछ दिन रहना चाहिए, या पेरेंट्स से जो है जिसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है उससे भी तो मालूम करना चाहिए कि हाँ इसको बाहर निकाल या नहीं। हाँ, वो शायद केस पर निर्भर करता है, क्योंकि आपके केस में तो शायद जमानत नहीं हुई, तो वो जमानत केस पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं, जो मेरी समझ में आ रहा है, आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने ठीक नहीं समझा, तो वो ये है कि अगर ज़मानत पर आप छोड़ भी रहे हैं किसी को, तो ऐसा इंतज़ाम करें कि बच्चे जो जिसके साथ भी यह हादसा हुआ है, जिस औरत के साथ या बच्ची के साथ या बच्चे के साथ, उसे वो परेशान ना करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन जब तक केस ख़त्म नहीं होता, कानून ये कहता है हमारा कि जब तक
कि केस ख़त्म नहीं होता, आप उस बीच में अगर कोई ज़मानत मांगने आता है तो आप उसको ज़मानत दे सकते हैं, अगर उसके ज़मानत पर छूटने से किसी को कोई ख़तरा नहीं है या ऐसा कोई डर नहीं कि वो वापस पूरे केस में कोऑपरेट नहीं करेगा, जब कोर्ट बुलाएंगे नहीं आएगा, अगर लगता है कि वो भाग जाएगा तो फिर ऐसे में शायद ज़मानत नहीं मिल सकती, पर ये हर कोर्ट अपने हिसाब से ज़मानत का मसला डिसाइड करता है। जो बात आप कह रहे हैं और जो मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि अगर ज़मानत देता भी है कोर्ट, पहले तो सोच समझ के देनी चाहिए, और अगर देता भी है कोर्ट तो कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे कि जिस जो पीड़िता है उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे उसके ज़मानत पे आने के बाद। तो विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 बनाई है, लेकिन शायद उसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि कई लोगों को जानकारी भी नहीं कि इस तरह की कोई योजना है, और जानकारी नहीं होने से भी बहुत सारे हमारे अधिकार जो हैं हमें नहीं मिल पाते। दूसरा इस वजह से भी नहीं मिल पाते कि शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं तंत्र में सिस्टम में हमारा यकीन और विश्वास नहीं है। आपका भरोसा है सिस्टम पे? भरोसा है, कानून पे तो भरोसा है। आपका है भरोसा, आपको क्या लगता है? भरोसे के पीछे जो है सब हर का आदमी काम करता है, हमने भी जो है साथ में हुआ तो भरोसे करके किया कि आगे हमें बच्चे के लिए इंसाफ मिले या उसके कुछ आगे ना हो। जब आप कोर्ट जाते हैं, गए हैं कोर्ट, आप भी गई हैं कोर्ट, तो आपको और भी कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे जिनके बच्चों के साथ या जिनकी घर में और किसी महिला के साथ ऐसी हरकतें हो रखी हैं, क्या उनका भी ऐसा ही विश्वास सिस्टम पर है जैसे आपका है? अब ये तो उन्हीं पर जो निर्भर होता है, जो हमारे जो समझ है वो। कभी बातचीत हुई किसी से? अभी तो ऐसी मुलाकात जो है नहीं हुई, मतलब होती है कभी, आज किसी से हो गई कल किसी से। तो लोग क्यों फिर सड़क पे गुस्सा करके आते हैं कि पुलिस ये नहीं कर रही, कोई ये नहीं कर रहा, हमें कुछ नहीं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कितना कुछ लोग कहते हैं, ऐसा क्यों है? मैम मुझे ऐड करना है, क्योंकि बहुत थोड़े केसेस में हैं जहां आयोजन पुलिस वाले सपोर्टिव हैं, जो मैं समझ रही हूं और मैं काम कर रही हूं तो लोगों को बहुत गुस्सा है क्योंकि आयोज फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोर्ट कब जाना है स्टेटस नहीं बता रहे हैं, और हमने जैसे बात करी मेडिकल की, स्टार्टिंग में ही वो बोलते इतना सारा टाइम ख़त्म होगा और मुझे और काम के लिए भी जाना है, मेडिकल के लिए डिनाई करा, रास्ते भर पूरा बच्चों को समझाते हुए जाते हैं वो, जो फैमिलीज हमें इन्फॉर्म करती है। एंड देन हॉस्पिटल वाले भी इसलिए नहीं करते क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसलिए चीज़ें हैं वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, और बाद में होता है कि कोर्ट में उन्हें बोला जाता है कि अच्छा मेडिकल क्यों नहीं कराया, मेडिकल तो ज़रूरी था, तो फैमिली को और फ्रस्ट्रेशन होता है कि अच्छा इतनी ज़रूरी बात इन्होंने नहीं वो करवाई। कई बार होता है समझौते के लिए बोलते हैं कि क्या इन सब चक्करों में पड़ोगे और समझौता कर लो, फैमिली को पहले FIR के टाइम पे ये सारे बिल्कुल हाँ उनको समझाते हैं कि आप समझौता कर लो, क्या कोर्ट चक्कर में पड़ोगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो इन सब ये भी चीज़ें कराई जाती हैं। यहाँ तक कि मेरे कुछ केसेस में जो मैंने सुना, उन्होंने पुलिस वाले ने पैसे मांगे, FIR कराने तक के लिए पैसे मांगे गए, पर फिर मैंने जब इन्वॉल्व हुई तो ये सब चीज़ें सॉल्व किया। आपका एक केस है आपका या आपके संस्था में किसी का, जहाँ मुझे याद है कि बच्ची को बम्बई से लेकर आना था तो पुलिस वालों ने कहा था कि आप पैसे दीजिए तो हम उसको लेकर के आए। यस, ये मोस्टली केसेस में है, अगर बच्चा मिसिंग है तो फैमिली को ही है कि कॉल वही कर रही है, ट्रेस करने का ट्राई वो कर रही है, फैमिली को यहाँ तक पुलिस वालों को बोलते हैं कि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चल लीजिए, हमें पता चल गया है बच्चा कहाँ है, तो भी पुलिस वालों को ये था कि आप पैसा खर्च करेंगे, आप गाड़ी बुक करके हमें लेके चलिए, देन हम कि अपनी गाड़ी मंगा लें, आप बच्ची भी वहाँ थी मथुरा में, तो बोला अपनी गाड़ी मंगा लें फिर चलेंगे। तो आपने इंतज़ाम किया अपनी गाड़ी का, और फिर बाद में कोर्ट से कुछ आपको कॉम्पेंसेशन कुछ मिला नहीं कि आप गाड़ी लेकर गए बच्ची को लाए, ऐसा कुछ भी नहीं था? इस तरह की भी तकलीफ़ें होती होंगी लोगों को, नहीं जो कई बार? यस मैम, क्योंकि बहुत ऐसे तो नहीं है कि हाई क्लास के लोग हैं जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत गरीब हैं,
तो मतलब उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, और फिर वही कि मतलब कहाँ से वो इंतजाम करते हैं। हाई क्लास के लोगों के साथ ऐसी मतलब घटनाएं नहीं होती, होती है वो, एटलीस्ट क्या कहते हैं उसको, सामने नहीं आता है वो इस तरीके से कवर कर ले। बड़े ऊंचे परिवार हैं पैसे वाले, उनके यहाँ इस तरह की चीजें नहीं होती, मगर जो है बड़े लोगों का जो है सामने नहीं आता। मिडिल क्लास के जो लोग उनके साथ जो है ऐसे हादसे होते हैं ना, तो ये जल्दी जो है मीडिया वाले जो करते हैं, मीडिया वाले पकड़ते हैं। हाँ क्यों नहीं, चार आदमी जो है ये बात के लिए कहीं हादसा होगा, अड़ोस पड़ोस में जो है मोहल्ले वाले हैं तो ये हादसा होगा तो फौरन जो आ जाते हैं, ये बात जल्दी फैल जाती है। बड़े घरों की बात जो इतनी जल्दी नहीं फैलती है। दो केस जो हमारी नज़र में मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, जिस पर पब्लिक ने बहुत आक्रोश दिखाया है, वो एक तो निर्भया वाला केस आप सब भी जानते हैं, और एक अभी जो तेलंगाना में हुआ। दोनों केस में जो पीड़िता थी वो पढ़ी लिखी थी और एकदम जो है गरीब परिवार से नहीं थी, एक मिडिल क्लास परिवार से थी। तो जब किसी गरीब परिवार में इस तरह की चीजें होती हैं, क्या वही मीडिया अटेंशन मिलता है? दोनों सवाल, एक तो जो एकदम गरीब है उनका, उनको मीडिया कितना उस केस में कितना अटेंशन देता है, दूसरा जो बहुत अमीर है उस केस में क्या मीडिया अटेंशन आता है या नहीं आता? मिडिल क्लास अगर परिवार है तो वो तो हमारे सामने दो केस हैं जो हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसे केस में तो मीडिया का पूरा एक फोकस रहता है, लेकिन गरीब और अमीर के केस में क्या मीडिया उतना ही फोकस देता है? अब ये तो फैमिली जो है उसको जो बैकअप कर सकती है, मीडिया वालों को बता सकती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हादसे हो जाते हैं दबा रखते हैं कि बात जो है ना फैले। एक शर्म के कारण तो अक्सर तो हादसे लोग रिपोर्ट ही नहीं करते, पुलिस में दर्ज ही नहीं करवाते हैं शर्म के मारे। लेकिन जो दर्ज होते हैं वो ज़्यादातर गरीब परिवारों के लोगों का के केस होते हैं। और मीडिया का होता है कि जो मुझे समझ आता है कि कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है, कि अगर उन्हें उन चीज़ों के लिए उतना न्यूज़ दिखाने के लिए उतना पैसा मिल रहा है तो वो दिखा देते हैं। अदरवाइज बहुत लो क्लास फैमिली है, वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो एक है मेरा केस जिसमें बच्ची मिसिंग है, अराउंड 1.5 साल हो गया है, उसमें है कि हमने मीडिया वालों से फैमिली ने बात किया था, बट उन्होंने पैसे मांगे और उतने पैसे नहीं दे पाए, वो थोड़ा पैसा दिया उन्होंने तो वो लिख के लेके गए थे, उसके बाद कुछ उन्होंने नहीं किया उसमें, जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो मीडिया का भी एक अपना तरीका है काम करने का, और जो करने वाले हैं जो आरोपी रहते हैं, क्या वो भी सब गरीब ही परिवार के रहते हैं या अमीर भी हो सकते हैं? ये अमीर भी होते हैं गरीब भी होते हैं, मतलब आजकल जो जिनके पास कोई काम धाम नहीं है या वो वैसे हैं बच्चे घर में, समझदार भी होने के बावजूद भी जो है देखते हैं कि तब ये काम करते हैं कि जो कि कोई नहीं है। तो करने वाले की कोई जात पात कोई अमीर गरीब नहीं है? नहीं, जिसके साथ हादसे हो रहे हैं उसका भी कोई जात पात या अमीर गरीब का नहीं है, किसी के साथ भी हादसे हो सकते हैं, करने वाला भी कोई भी हो सकता है, पर सज़ा क्या सबको बराबर की मिलती है या नहीं मिलती? कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसको सज़ा जो है मिलना चाहिए। हाँ लेकिन क्या वो सबको बराबर मिलती है या वहाँ भी फर्क तो, आ जाता बराबर है? बराबर तो नहीं मिलती है, मगर किसी को कम किसी को ज़्यादा, बड़ी सजा छोटी सजा होती है। जैसे दिल्ली में एक केस हुआ था बस में जी, वो भी जो है अभी तक जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। नहीं सजा तो हो गई, अब तो मांग ये हो रही है कि उनको जल्द से जल्द फांसी पे लटका दिया जाए, है ना? तो लेकिन उनमें से कोई भी अमीर नहीं है, पर ऐसे भी हादसे जहाँ पर हमारे सामने बाबा राम रहीम का केस आपने सुना होगा, आसाराम बापू का केस सुना होगा, और ऐसे और भी कई बड़े बड़े लोग हैं जिनके खिलाफ केस तो दर्ज हुए लेकिन अभी तक वो चल रहे हैं, कोई नतीजा निकला नहीं। तो क्या आपको लगता है अगर सरकार कहती है कि फांसी होनी चाहिए
और एक बार किसी कोर्ट ने ये तय कर लिया कि फांसी की सज़ा देनी है, तो उस पर कोई और कोई प्रेसिडेंट के पास जाके कोई अपील नहीं कर सकता, उसको फांसी मिलनी ही चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। क्या ये वाला कानून सबके लिए बराबर से लागू होगा या नहीं होगा, ये मेरा एक सवाल है आप दोनों से। और फिर से वही सवाल पूछूंगी कि जहां इतनी तकलीफें हो रही हैं, कभी पुलिस आपको ठीक से पूरी बात नहीं बता रही, सही जानकारी नहीं दे रही, आप ही के केस में आपसे ही पैसे लेकर आगे कार्रवाई करेगी नहीं तो नहीं करेगी, डॉक्टर बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई आपको बता नहीं रहा, अगर शायद ये नहीं होती तो आपको आपके केस के बारे में बहुत कुछ नहीं पता चलता, इन सब परिस्थितियों को पहले देखना चाहिए या पहले कहना चाहिए कि हमें फांसी के कानून में फांसी की सजा आए? तो ये दो सवाल हैं। क्या सबको बराबर फांसी की सजा मिलेगी, अमीर गरीब को? को तो नहीं मिल सकती ना। नहीं मिल सकती। आपको भी ऐसा लगता है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी जो है वो डिस्क्रिमिनेट करेगी, अगर कोई पैसे वाला मालदार या पहुंच वाला है तो उसको शायद फांसी की सजा ना हो, कोई गरीब है तो उसको आसानी से हो जाए? उसका थाने से ही केस दबता हुआ चलता है। उसका थाने से ही दबता हुआ चलता है केस। आपको क्या लगता है, खुशनूर फांसी होनी चाहिए? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि फांसी होनी चाहिए। फांसी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स यही है कि अगर हम बोलते हैं कि फांसी दे दी और हमने गलती से भी बच्चे को ये बोल दिया कि तुम्हारी वजह से हुआ है, जैसे अभी भी हम ब्लेम करते ही हैं, हम जो कितने केसेस में हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज है, लोग हैं, स्कूल में हैं, डॉक्टर, मतलब जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं हम बच्चे को ट्रीट करवा ही देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तो अगर ये हो गया तो मतलब बच्चे के लिए तो मतलब पूरा लाइफ टाइम के लिए एकदम ही बहुत ख़राब हो जाएगा, उसका फ्यूचर ही नहीं सोच सकते हैं। और हम लोग बस खाली बोल सकते हैं, जो बीत रहा है वो बच्चा ही सिर्फ समझ सकता है। और पहले ही बच्चे पे इतना दबाव है, यस, आधे केस दर्ज नहीं होते शर्म के कारण, और आधे में दवाई नहीं हो रही है, वो चल रहा है ऐसी प्रोसेस, आधे में कार्रवाई में दिक्कत होती है, आधों में जो है हम बच्चों से ये कह रहे हैं कि नहीं तुम ही गलत हो बार बार, और फिर हम कह रहे हैं कि फांसी की सज़ा होगी तो तुम आजीवन अपने आप को कसूरवार मानते रहो। क्या सही कह रही हैं खुशनूर, आपको भी ऐसा लगता है? सही है। देखिए, बच्चे को जब पता चलेगा कि हमारी वजह से जो है घर में हो या बाहर हो ये हुआ, तो कुछ मतलब जो बच्चा जैसे कहीं बैठता है कुछ करता है तो मतलब और लोग भी जो है नहीं उसको जो है सपोर्ट करते हैं कि कल को जो ऐसा ना हो कि जो है बच्चा जो है हमारे लिए जो है ऐसा कर, इसलिए जो है मतलब उसको जो है थोड़ा वो फील होता है ना घर में, तो वो उस चीज़ को आप चाहते हैं कि वहाँ बदलाव आना चाहिए, थोड़ा बदलाव तो जो मतलब होना चाहिए कि मतलब सजा मिले। हाँ, ये बात हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ हाँ, कि सजा मिले उसको हाँ, कि जिससे कि आसपास में और भी फैमिली रह रही हैं दोबारा जो है वो फैमिली जो है सुन के ये ऐसी हरकत ना करे, और उसको भी एहसास हो कि उसने गलती की है, तो इसलिए सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी सज़ा ना हो कि एहसास ही मिट जाए, उसका भी एहसास मिट जाए, और समाज में जो है इस चीज़ की रोकथाम के लिए सबसे पहले ये आप कहना चाह रहे हैं, मुझे फिर आप करेक्ट कर सकते हैं कि समाज में इस चीज़ की रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि समाज की सोच में परिवर्तन आए। जिस तरह से हर बार बच्चों पे और औरतों पर ही सारा ब्लेम डाला जाता है कि ये उन्हीं की गलती है, उस सोच में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आप फांसी दो या कुछ भी दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने केस में आपको लगता है कि कन्विक्शन होता होगा, यानी कि जो आरोपी है वो उनको सज़ा होती है, 100 में से कितने ऐसे केस होते होंगे? 100 में से जो मतलब सही तरीके से जो जिसको सपोर्ट मिल जाती है कहीं किसी का, पुलिस का या मतलब किसी ऑफिस का या वकील लॉयर का जो है सपोर्ट मिलता है ना, तो वो थोड़ा जो है सजा हो जाता है। जो मतलब जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है वो केस जो है दब जाता है, फिर वो छूट जाता है फिर ऐसी। पर अंदाजन आपको क्या लगता है कि 100 में से कितने केस में सज़ा होती होगी? ये तो हम जो है इतना ज़्यादा तो हम भाग कोई अंदाज़ा आपको क्या लगता है? 10-12 को होती होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। 100 में से आपको लगता है सिर्फ 10-12 को होती होगी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि
बहुत से लोग छूट जाते हैं, और वो छूटते किस कारण से हैं? सिस्टम की कमी के कारण से हैं। तो सिस्टम को हम मजबूत नहीं करेंगे, लेकिन मांग करेंगे कि फांसी दो, क्या ये सही है? सिस्टम ठीक होना चाहिए, सिस्टम ठीक, सिस्टम और समाज की सोच। शबनम थोड़ा और बताइए, सिस्टम में क्या होना चाहिए ठीक? जैसे हम थाने जाते हैं किसी बात के लिए भी, बच्ची खो गई है, तो पुलिस वाले पहले सवाल ये करता है कोई उसका बॉयफ्रेंड था, वो ये बोलते हैं। अब उनको सफाई माँ दे, ये अपने बच्चे को ढूंढे, माँ एक्शन नहीं होता, घंटों लगा देते हैं FIR लिखने में, चार चार घंटे बाद FIR लिखी जाती है। जब FIR लिखते हैं, बच्ची पता चलता है कि फला जगह पे है, बच्ची को लेने जाना, तो अब अपनी गाड़ी का इंतज़ाम आप करें। गाड़ी का इंतज़ाम हो गया, दो घंटे हो गए, पुलिस वाले रेडी हो रहे हैं, जब आएंगे? दो ढाई घंटे बाद पुलिस वाला आता है, जब बच्ची को लेने जाया जाता है। ये तो पुलिस का रवैया है, और ऐसे ही स्कूल में भी, स्कूल में भी ये होता है। अभी कोर्ट जाना था, तो मैंने बच्ची को बोला बेटा एप्लीकेशन दिया स्कूल जाके कि मुझे कोर्ट जाना है, तो वहाँ टीचर बच्ची पे ही बरस पड़े कि तुम कैसे कपड़े पहन के कोर्ट जा रहे हो, ये तुम्हारा तरीका है, तुम्हें लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, जबकि सिंपल कमीज सलवार पहने हैं बच्ची ने, सलवार कमीज पहनी थी तब। बस थोड़ा काम हुआ था उस पर, बस कि तुम ये कोर्ट जाने का तरीका है, इस तरह कोर्ट जाते हैं, वहाँ टीचर उन पर बच्चे को डांटने लगे। और टीचर को पता है कि केस पता है, टीचर को पूरी बात पता है। और इस वजह से बच्चे फिर स्कूल नहीं जाते हैं, छुट्टियां करते हैं, तो फिर उन पर पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं। पर टीचर से कोई मदद नहीं मिलती कि पढ़ाई में वो जो है, क्योंकि वो जानती हैं कि इस तरह का हादसा बच्ची के साथ हुआ। पढ़ाई में तो वो मदद करते हैं, लेकिन बस जो टोंट मारने होते हैं वो जरूरी है, वो भी साथ साथ मारते रहते हैं, उससे बाज नहीं आते। नहीं, और वो आपको ज्यादा तकलीफ देता है, वो ज्यादा तकलीफ देता है। बच्चे ने क्या कपड़े पहने, सिंपल कमीज सलवार पूरी ढकी है बच्ची, रुपट्टा भी ओढ़ा है, स्कार्फ भी बांधा है उसने, फिर आप कपड़ों को लेके कमेंट कर रहे हैं उसके, ये ठीक नहीं है। तो आप तो ऐसे कई लोगों से मिलती होंगी जो बार बार आपको एहसास दिलाते होंगे, या आपकी बच्ची को एहसास दिलाते होंगे कि उनकी गलती है। घर से बाहर निकलते शुरू हो जाते हैं, मोहल्ले वाले हैं, आसपास वाले हैं, इशारे करने शुरू कर देते हैं, अब किसी को पता नहीं होती तो उसको इशारे से बताते हैं ये लड़की है वो जिसके साथ हुआ है। आपकी हिम्मत है, सबकी हिम्मत नहीं होती, खासतौर से ऐसे केसेस में जहाँ पर फादर इन्वॉल्व हैं, उसमें तो और भी बहुत सी महिलाएं हैं जो हमारे पास कई केस हैं जिनमें उनकी हिम्मत नहीं होती। बहुत लोग कोर्ट में जाने इतनी हिम्मत कर लेते हैं कि केस दर्ज हो जाए, कोर्ट तक पहुंच जाए, लेकिन जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में अपने बयान से पीछे हट जाते हैं। इस चीज़ को बदलने के लिए क्या होना चाहिए कि लोग अपने बयानों से पलटे नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सज़ा हो पाए, उनको एहसास हो पाए उनकी गलती का, बजाय इसके कि हम मांग करें फांसी दो। क्या इस ये जो 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 आप बता रही हैं कि किस तरह से समाज में हर व्यक्ति जो है बार बार टॉन्ट कसता है और जीना मुश्किल कर देता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग कोर्ट में जाके बयान अपना बदल देते हैं, या और भी कुछ मजबूरियां होती होंगी जिसकी वजह से बयान बदलते हैं लोग, उस चीज़ को कैसे, उसमें कैसे हम सुधार ला सकते हैं? ये लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो एक तो एक मुहिम है जिस जो चलाने की ज़रूरत है, जिससे जिस मुहिम के ज़रिए हम लोगों की सोच को बदल सकें, और दूसरी मुहिम है जो हमारे सामने आज है, वो ये है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोनों में से कौन सी मुहिम आप में आप जुड़ना चाहेंगे, अपने आप को देखना चाहेंगे? तो ये इंसान को एक मौका मिलना चाहिए सुधरने का, अगर वो बाज नहीं आता है तो फिर फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। नहीं। और दूसरी मुहिम जिसमें हम सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसमें आप
बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. और मेरा है कि हर फैमिली को, जहाँ हम हाई फैमिली की भी और लो क्लास फैमिली को भी, हम ज़्यादातर मेल वाला जो हम है कि हाँ मेल है तो इसको राइट है बाहर घूमने का. यहाँ तक कि ये होता है कि लड़कियाँ भी हैं इसमें सपोर्ट करते हैं, भाई की गर्लफ्रेंड बनवाना और कमेंट करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं भाई, छोड़ यार भाई कोई बात नहीं. तो ये वाला जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो थोड़ा कंट्रोल हमें बचपन से ही हमें बच्चे को वो सिखाना ज़रूरी है कि एज ए मेल फीमेल लेने के बजाय एक ह्यूमन नेचर की तरह ट्रीट करना. कि आप कमेंट अभी आप कर रहे हैं, फिर हम बात करते हैं कि आपकी बहन बेटी नहीं है, बहन बेटी रिश्ता ही क्यों? अगर नॉर्मल इंसान है, कोई एक लड़की है जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं या हम उसके साथ कुछ ऐसा गलत कर सकते हैं? तो हर फैमिली में ये बेसिक जो है, जो बचपन से ही समझाना ज़रूरी है मेल्स को, फीमेल्स को भी, कि नॉर्मल ट्रीटमेंट ज़रूरी है. और जो डिस्टेंस हम कई बार बनाते हैं कि कहीं तो है कि बिल्कुल आज़ादी दे दी लड़कों के कि ठीक है कुछ भी करो, वहीं लड़कियों को हम इतना कंट्रोल करके रखते हैं कि लड़कों से बात तक नहीं करने देते हैं. तो वो नॉर्मल बातचीत होना ज़रूरी है, वो सही मोरल एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है बताना, तो ही मे भी कुछ. मान लीजिए दो सरकार दो चीज़ें हमारे सामने रख रही है, एक तो कह ही रही है सरकार की फांसी की सज़ा दी जाए ताकि समाज में लोगों को सबक मिले कि ऐसे कुछ करेंगे तो फांसी मिलेगी, दूसरा सरकार ये भी कह रही है कि ऐसे लोगों को तो इनका नाम ऐसे रजिस्टर में डाल दिया जाए कि जिंदगी भर इनको, ये बाहर अगर छूट भी जाए तो इनको काम कभी ना मिले. तो क्या ये इस तरह के उपाय समाज में बदलाव ला सकते हैं या इस तरह के उपायों से समाज में अपराध और बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा और डेवलप हो जाएगा ऑफ कोर्स. काम दाम नहीं मिलेगा, कहीं जो है जॉब नहीं मिलेगी, कहीं भी जाएगा ये बात के लिए सामने आएगा कि हाँ भाई इसने ये काम किया है, उसको जॉब नहीं मिलेगी, फिर वो सोच लेगा कि अब कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो जो मर्जी चाहे फिर वो वही काम करने लगेगा और अपराध बढ़ेगा. आपको भी ऐसा ही लगता है? सुधार का मौका, आप कह रहे हैं कि सुधार का मौका मिलना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए, सुधार का मौका मिलना चाहिए. फांसी कोई उपाय नहीं, ना ही सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री कोई उपाय है कि ऐसा रजिस्टर आप बना दें कि वो उसको और कोई काम ही ना मिल पाए और वो अपराध के जीवन में ही हमेशा के लिए आ जाए और अपराध और बढ़ जाएं. तो हम महिलाओं के नाम पर, बच्चों के नाम पर जो सुरक्षा मांग रहे हैं वो सुरक्षा किस प्रकार की हो, ये आप लोग आज की बातचीत से कुछ तो समझ पाए होंगे. जो बदलाव वो चाहती हैं, जिस तकलीफ जो जिस जिस जिन चीज़ों ने उन्हें तकलीफ दी है वो ना हो, उस तरह का बदलाव लाने की मुहिम की हम बात कर रहे हैं, एक सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ना कि फांसी या और ऐसे अन्य उपाय जिससे कभी भी अपराधों की रोकथाम नहीं हुई, अपराध बढ़े ही हैं.